जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल फ्रेंड। आज हम देखने वाले हैं 4 मई के करंट अफेयर्स, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 4 मई के करंट अफेयर्स। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किस देश ने अपनी बौद्धिक संपदा संरक्षण प्राथमिकता निगरानी सूची में भारत, रूस और चीन को सूचीबद्ध किया है? तो फ्रेंड ये कॉमन सी एक कंट्री है जो ज़्यादा ही अपने आप को चीज़ों में आगे बढ़ाती है, तो उसका नाम है अमेरिका। ठीक है, तो भारत, चीन और रूस को और 4 अन्य देशों को बौद्धिक संपदा संरक्षण और प्रवर्तन के लिए अमेरिका की वार्षिक यानी कि प्राथमिक निगरानी सूची यानी कि प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में जोड़ा गया है। संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि की अन्य देशों की सूची में अर्जेंटीना, चिली, इंडोनेशिया, वेनेजुएला शामिल है। ठीक है, तो इसके अंदर भारत को भी जोड़ा है, साथ में चीन और रशिया को भी जोड़ा है। ये अपने आपको ज़्यादा ही सुपर पावर समझते हैं, इसलिए ये ऐसे काम करते रहते हैं। ठीक है फ्रेंड, सो इसके प्रमुख बिंदु क्या होंगे, क्या है ये सूची में? तो इस सूची में कुल 7 देशों की पहले से ही इसमें पिछले बार जोड़े सूची में जोड़े गए थे। अमेरिका की क्या जो व्यापार प्रतिनिधि कैथरीन ताई ने अपनी स्पेशल 301 रिपोर्ट में अमेरिकी व्यापार भागीदारों को सुरक्षा और बौद्धिक संपदा अधिकारों के प्रवर्तन की पर्याप्तता और प्रभावशालिता पर संकेत दिया था। मतलब बेसिकली किस तरीके से हमें ट्रेड करना है और किन देशों का ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड करना है, उन सब चीज़ों को एक रिपोर्ट के थ्रू ये बताते हैं और उसको फिर किन के साथ कैसे हमें ट्रेड करना है वो सब चीज़ें हमें जोड़ी जाती हैं। ठीक है, तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है। पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जुड़ी गई हैं जो आपको रीड आउट कर लेनी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड कुछ इंपॉर्टेंट अलग से इंफॉर्मेशन ऐड की गई जो आपको रीड आउट कर लेनी है अपने आप से। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंड क्वेश्चन नंबर सेकंड है, किस देश के लैंडस्केप, गार्डन, सिटियों, बल्स, मार्क्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया है? तो फ्रेंड किस देश का है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्राज़ील। ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में एक लैंडस्केप गार्डन सिटियो बुले मार्स साइट को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, उद्यम में 3,500 से अधिक पौधों की प्रजातियां हैं जो मूल रियो की प्रजातियां हैं। ठीक है, तो इस तरीके की जो बहुत ही ज़्यादा एक इन्वायरमेंट के प्रति बहुत ही ज़्यादा एक इसने वो अनुकूल हो, तो उन चीज़ों को संरक्षण के लिए यूनेस्को के द्वारा इस तरीके के दर्जे दिए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इंपॉर्टेंट है याद रखना। बाकी यहाँ पे ब्राज़ील के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई जो आपको रीड आउट कर लेनी है। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, किस मंत्रालय ने रेलवे दूर संचार को अपग्रेड करने के लिए सी डॉट के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो फ्रेंड किसके साथ है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रेल मंत्रालय के साथ। ठीक है, तो रेल मंत्रालय के साथ ये समझौता किया गया है और यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखी है जो आपको रीड आउट कर लेनी है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ठीक है, अभी रेल जो करंट में रेल मंत्री कौन है? श्री अश्विनी वैष्णव भी हमारे रेलवे मंत्री हैं जो बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं रेलवे डिपार्टमेंट के लिए। ठीक है, उनकी हर दिन नई वीडियो आप देख सकते हो, जिस तरीके वो कार्य करते हैं काफ़ी अच्छे कार्य वो कर रहे हैं रेल डिपार्टमेंट के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, किसने MSMEs के लिए ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम लॉन्च किया है? तो फ्रेंड किसके लिए कराइए? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ICICI बैंक। ठीक है, किसने किया? ICICI बैंक ने। ठीक है, ICICI बैंक ने देश के सभी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों के लिए भारत का पहला ओपन फॉर ऑल व्यापक डिजिटल पारिस्थितिक तंत्र लॉन्च किया है। इसका उपयोग अन्य बैंक के ग्राहक भी कर सकते हैं। तो इस तरीके के डेवलपमेंट किए जा रहे हैं जो ताकि एक छोटे छोटे बिजनेस के लिए भी वो अपने कार्यों को किस तरीके से, अपने बिजनेस को किस तरीके से आगे ले जा सकते हैं, उन सभी के लिए कार्य किए जा रहे हैं। ठीक है, यह इंस्टा आउट प्लस के माध्यम से 25 लाख रुपये तक की तत्काल और पेपरलेस ओवरड्राफ्ट सुविधा की मंजूरी प्रदान करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इस तरीके की चीज़ें, एक छोटे व्यापारी के लिए एक काफ़ी सहूलत भरी हो सकती है। ठीक है, अगर हम बात करें ICICI बैंक की, तो इसका मुख्यालय वडोदरा में है और इसके अध्यक्ष और MD की या CEO की यहाँ पे जानकारी यहाँ पे लिखी गई जो आपको रीड आउट कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किसने किया है? फ्रेंड तो इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, सेमी इंडिया
कॉन्फ़ेडरेशन 2022 का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है। इस 3 दिवसीय सम्मेलन की मेजबानी बेंगलुरु में किया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के एक बयान के अनुसार भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण, अर्धचालक सेमीकंडक्टर डिजाइन, उत्पादन और नवाचार में अग्रणी बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्देश्य के आगे बढ़ाने के लिए 3 दिवसीय सम्मेलन। तो इम्पोर्टेंट है कि हम किस तरीके से टेक्नोलॉजी में, हर चीज़ में, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक निर्माण हो, अर्धचालक हो, किसी भी तरीके की चीज़ें हो, मैक्सिमम चीज़ें अपने देश में ही प्रोडक्शन की जाए और उसमें अपने देश का ही आगे, हमारे हमारे देश में आगे बढ़ेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं एक चीज़ को एक विकसित देश बनाने में, ठीक है ना। जैसे आज चाइना काफ़ी आगे निकल चुका है, वो यही है कि अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग, मैक्सिमम चीज़ें अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग वो करता है, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा चीज़ें हम अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे उतने ही हम आगे बढ़ेंगे फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखी गई जो आपको रीड आउट कर लेनी है। चलते फ्रेंड आगे, ठीक है फ्रेंड, ये रीड देख लेना एक बारी फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 6 से, इंडिया फार्मा एंड इंडिया मेडिकल डिवाइसेस अवार्ड 2022 का अवार्ड किसे प्रदान किया गया फ्रेंड? तो किसे मिला ये अवार्ड? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सिप्ला लिमिटेड को ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है फ्रेंड। तो सिप्ला लिमिटेड को इंडिया फार्मा एंड इंडिया मेडिकल डिवाइसेस अवार्ड दिया गया 2022 का, ठीक है। सिप्ला की अगर हम बात करें, स्थापना 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। बहुत ही पुरानी कंपनी जो बेसिकली मेडिकल या दवाइयों में बहुत ज़्यादा ही कार्य करती है और मुख्यालय इसका मुंबई के अंदर है, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं आगे फ्रेंड, यहाँ पे इस सूची दी गई पूरी विजेताओं की, तो आप करिए इसको रीड आउट कर लेना है, ठीक है। कौन सा अवार्ड किसको दिया गया पूरी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है, ताकि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर सकें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 7 है, किस राज्य सरकार ने महाराष्ट्र जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है? जिस तरीके से नाम से पता चल रहा होगा, तो महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र जीन बैंक बनाने की अब मंजूरी दे दी है। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र जीन बैंक बनाने परियोजना को मंजूरी दी है। यह भारत में इस तरह का कि पहली परियोजना है। तो आपको ये याद रखना है कि जो जीन परियोजना है जो महाराष्ट्र में बनेगी, महाराष्ट्र जीन परियोजना, तो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, ताकि इस तरह कोई क्वेश्चन है आप इजीली अटेम्प्ट कर सकें, ठीक है ना। तो इसको जरूर रीड आउट करना और नोट डाउन करके रखना इस क्वेश्चन को, ठीक है फ्रेंड। चलते हैं आगे की तरफ, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पर पूरी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जुड़ी है जो आपको एक बार रीड आउट कर लेनी है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सा बैंक अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क पर लाइव होने वाला पहला सार्वजनिक बैंक बन गया है? तो फ्रेंड कौन सा बैंक ऐसा आपको लिख रहा होगा, दिखा है, यूनियन बैंक एक ऐसा बैंक बन चुका है जो एग्रीगेटर फ्रेमवर्क पर लाइव होने वाला पहला बैंक बन चुका है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट याद रखना, तो बेसिकली वित्तीय सूचना प्रदाताओं और वित्तीय सूचना उपयोगकर्ताओं के बीच डेटा के प्रवाह को सक्षम करने के लिए अकाउंट एग्रीगेटर को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लाइसेंस प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम ग्राहकों की सहमति से प्राप्त डिजिटल डेटा का लाभ उठाने में ऋणदाताओं की मदद करता है, ताकि उन्हें एक सहज व्यवस्था प्रदान की जा सके। किस तरीके से उनको ऋण मुहैया करा सकते हैं, या किस तरीके से अगर कोई बैंक किसी को ऋण चाहिए तो इजीली उसके बारे में उसकी जानकारी प्राप्त हो सकती है, कि इसको ऋण प्राप्त कर देना चाहिए नहीं देना चाहिए, उसके पीछे के क्या स्टेप रहे हैं, किस तरीके से उसने उसके अपने अकाउंट को मैनेज किया है। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए ये कार्य होता है, ठीक है। तो यूनियन बैंक ऐसा बैंक बन चुका है जो एग्रीगेटर फ्रेमवर्क को लाइव करने वाला पहला बैंक बन चुका है, ठीक है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, यूनियन बैंक फ्रेंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत के नए विदेश सचिव के रूप में किसने पद ग्रहण संभाला है? तो फ्रेंड कौन बने हैं? तो राइट आंसर होगा विनय मोहन कात्रा, ये पहले भी बताए चुके थे। तो इनको अब भारत के नए विदेश सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। श्री कात्रा 1988 बैच के भारतीय विदेश सेवक IFS अधिकारी रह चुके हैं। वे सेवानिवृत्त हुए हर्षवर्धन श्रृंगला की जगह लेंगे, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना आपको ये क्वेश्चन, आपके एग्जाम में पूरी चांस होगी आने के, ठीक है। तो विनय मोहन कात्रा इनका नाम है, ठीक है। चलते आगे फ्रेंड्स। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 10वां है, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड? तो इंटरनेशनल फायर फाइटर डेज कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा आज ही के दिन हम इंटरनेशनल फायर फाइटर डे अग्निशामक दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ सब चीज़ें लिखी गई जो आपको वही पढ़ लेना इसके बारे में, ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड ये 10 क्वेश्चन थे, आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। इस तरह की वीडियो के लिए फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आपको टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मिलते रहे। सो फ्रेंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू फ्रेंड्स।